दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीएस एलियट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम प्रीलुड्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो पोएम है ये चार भागों में भागा हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली दो पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा पोएम है दोस्तों, चार भाग में छोटा छोटा पोएम है, तो आज हम पार्ट वन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरा पोएम को कम्प्लीट कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये जो पोएम है प्रीलुड्स, इसमें टी एस एलियट ने हमारे मॉडर्न सोसाइटी को व्यक्त किया है कि किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी है और किस तरह से एक उन्होंने बेसिकली एक सिटी के बारे में कहा है कि एक सिटी में किस तरह से मॉडर्न डेज में इवनिंग होता है, उसके बाद मॉर्निंग होता है, किस तरह का व्यू है, सीनरी है, उन्होंने इस पोएम में उसका व्यक्त किया है। पार्ट वन में दोस्तों टी एस एलियट ने इवनिंग के ऊपर बात किया है कि एक सिटी का कैसा इवनिंग है, बहुत ही क्लाउडी इवनिंग है, और किस तरह से उन्होंने ये व्यक्त किया। दोस्तों, पोएम को देखते लाइन बाय लाइन। द विंटर इवनिंग सेटल डाउन विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वे। ये में दोस्तों बताया जा रहा है कि जो विंटर इवनिंग है वो स्टार्ट हो गया, मतलब डे खत्म हो गया और धीरे धीरे इवनिंग का शुरू हो रहा है और विंटर का टाइम है। विथ स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वे, स्टिक का मतलब है दोस्तों फिश या फिर मीट का जो सुगंध आता है, जो एक स्मेल आता है वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जो पैसेज वे है मतलब छोटे छोटे जो गलियाँ हैं उनमें जो घर है, उस घर में फिश मीट कुकिंग हो रहा है और उसमें से उनके स्मेल आ रहे हैं। 6 o'clock और शाम का पूरा शार्प टाइम है, 6 o'clock बज रहा है। दी बर्नड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, डे का एंड हो चुका है दोस्तों, धीरे धीरे इवनिंग शुरू हो रहा है और वो इवनिंग है बहुत ही क्लाउडी है। दोस्तों, इवनिंग का टाइम अगर आपने देखा है तो इवनिंग में कैसा होता है, विंटर के जो इवनिंग होता है वो पूरा क्लाउडली होता है। अगर हम लंदन अमेरिका को देखें तो वहाँ पे बहुत ही इवनिंग बहुत ही क्लाउडी होता है, तो पॉइंट बोल रहे हैं कि जो इवनिंग है बहुत ही क्लाउडी है, स्मोकी है। एंड नाउ ए गस्टी शावर रैप्स दी ग्रीमी स्केयर्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट फीट। और वो जो इवनिंग का जो विंटर का इवनिंग है वहाँ पे उस इवनिंग में धीरे 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 हवा भी चल रहा है और उस हवा में जो लीव्स है, जो ओल्ड लीव्स है, वो धीरे धीरे लोगों के फीट के नीचे आ रहे हैं। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, और जो न्यूज़पेपर है, जो खाली न्यूज़पेपर है जो रोड में है, वो धीरे धीरे फ्लाई कर रहे हैं। द शावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट, जो रेन है जो धीरे धीरे क्लाउडी जो जो एक वेदर है वहाँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेन भी हो रहा है, वो जो रेन है वो चिमनी पॉट, लोगों के जो घर में जो चिमनी होता है, जो ब्लाइंड जो ब्रोकन चिमनी होता है वहाँ पर वो पड़ रहा है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट ए लोनली कैब हॉर्स ट्रिम, और वो जो गलिया है उस गलिया की गलिये में एक कॉर्नर में एक हॉर्स है जो बंधा हुआ है, वो मतलब ठंड में, क्योंकि विंटर का टाइम में तो वो ठंड में काँप रहा है। और स्टैम्प का मतलब दोस्तों पैर को हिलाना, मतलब वो ठंडी से बचने के लिए दौड़ना चाहता है लेकिन वो बंधा हुआ है, ठीक है। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, और धीरे धीरे पूरा इवनिंग हो गया और रास्ते के जो लैम्प है बहुत धीरे धीरे जलने लगे। यहाँ पर दोस्तों पार्ट वन का ख़त्म होता है। पार्ट वन में बेसिकली टी एस एलियट ने लंदन के या फिर एक सिटी का इवनिंग को व्यक्त किया गया, किस तरह से विंटर का इवनिंग होता है मॉडर्न सोसाइटी में और किस तरह से बताया गया है, ठीक है। पार्ट टू दोस्तों में पार्ट टू स्टार्ट होता है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फिट स्टेल स्मेल ऑफ बियर फ्रॉम द सोडस्ट टेम्पल। मॉर्निंग का शुरू होता है, धीरे धीरे मॉर्निंग शुरुआत होता है, कॉन्शियसनेस से मॉर्निंग शुरू होता है, मतलब स्टार्ट होता है मॉर्निंग होना, इवनिंग से मॉर्निंग स्टार्ट होता है। और फेंट स्टेल ऑफ स्मेल ऑफ बियर फ्रॉम सोडस्ट टेम्पल, दोस्तों जो हमने इवनिंग में जो रास्ते देखे थे वो बहुत ही डस्टफुल थे, बहुत ही गंदी रास्ते थी, उसमें से उस रास्ते में जो बियर का जो बोतल था वो उस बियर के बोतल में से बदबू आ रहा था, बियर का बदबू आ रहा था, मॉर्निंग का टाइम था। विथ ऑल इज मडी फीट देन प्रेस टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड, और कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि सुबह हो गया और लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो लोग क्या कर रहे हैं, दुकान में आ रहे हैं कॉफ़ी ख़रीदने के लिए। उस रास्ते के ऊपर जो रास्ता पहले इवनिंग पे बहुत ही सुनसान था, धीरे धीरे उसमें लोग आना जाना शुरू हो गया। विद दी अदर मैस्कुलेट्स दैट टाइम रिज्यूम, और धीरे धीरे क्या होता है इसी इवेंट के द्वारा, जैसे कि सुबह होता है, उसके बाद शाम होता है, उसके बाद रात होता है, इसी तरह एक क्लॉक चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है कि इवनिंग के बाद सुबह होगा, सुबह के बाद शाम होगा, इसी तरह एक इवनिंग चलता रहता शुरू हो जाता है, ठीक है। वन थिंग ऑफ ऑल द हैंड दैट आर राइजिंग डिग्नी शेड, और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जब सुबह के साथ साथ लोग अपने घर में घर के जो खिड़कियां है, खिड़कियों में से पर्दा हटाते हैं, वो जो पर्दे होते हैं वो बहुत ही डस्टफुल होता है, क्योंकि वो सब लोग बहुत ही पुअर है,
उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, यानी 1000 फर्निश रूम। और इस ये जो सिटी है, ये जो शहर है, इसमें ये बात नहीं कि सभी लोग बहुत ही पुअर है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी है जो बहुत ही फर्निश रूम है और बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल है। दोस्तों यहाँ पे पार्ट टू का ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने देखा है कि पार्ट वन में और टू में टी एस एलियट ने एक सिटी का इवनिंग के बारे में और मॉर्निंग के बारे में बताया कि हर किसी का इस जीवन में हर किसी का मॉर्निंग अलग होता है, हर किसी का इवनिंग अलग होता है, और किस तरह से एनवायरनमेंट है उन्होंने बताया है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, पार्ट टू में हम पार्ट ये पोएम का पार्ट टू और थ्री डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।